यूपी के अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गया है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। अब राजस्थान के पाली में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को ओम का प्रतीक माना जाता है। ओम का निराकार स्वरूप धरती पर पहली बार राजस्थान में साकार हुआ है। यहाँ भोलेनाथ का मंदिर ओम के आकार में 28 वर्षों से बन रहा था। मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है। अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतजार हो रहा है। राजस्थान के पाली जिले में जाडन गांव में शिलान्यास के करीब 3 दशक बाद ओम आकार का भगवान शिव का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ओम के आकार में यह दुनिया का पहला शिव मंदिर होगा। ओम के आकार में बने शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन और तारीख तय कर दी गई है। 19 फरवरी 2024 को इस भव्य शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता देख आंखें चमक उठेगी। पाली जिले के जाडन में करीब 250 एकड़ में ओम आकार का मंदिर बनकर तैयार है। यह विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर है। इस योग मंदिर के परिसर में और भी कई भवन हैं जो सनातन प्रतीक के रूप में हैं। इनमें प्रमुख रूप से यज्ञ वेदी जैसा 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन है। योग मंदिर में सिर्फ एक ही आकर्षण नहीं है, यहाँ मंदिर का हर कोना आकर्षण का केंद्र है। आइए जानते हैं मंदिर की खासियत। राम मंदिर के बाद अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर जो पाली जिले के जाडन में बन रहा है और 19 फरवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर हम माँ मंडलेश्वर फूलपुरी से जी से जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है और किस तरीके के यहाँ पर आयोजन होंगे। जी ओम ओम। पूज्य श्री गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज द्वारा निर्मित विश्व का पहला ओम आश्रम और ऋषि निर्मित ओम आश्रम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। विश्व में पहली बार ये ओम इमारत देखने को मिल रही है हम सभी को। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने इस ओम की कल्पना जो की थी आज से 40-45 वर्ष पूर्व वो भी साकार रूप ले चुकी हैं। इसकी स्थापना विश्व गुरु जी ने 23 जनवरी 2024 में की थी। तब से लेकर अब तक निरंतर कार्य चल रहा था, अब 2024 को पूर्ण हो चुका है और इसमें विश्व गुरु जी के आशीर्वाद से इस शिव मंदिर की जो है प्रतिष्ठा के लिए 11 कुंडी यज्ञ होगा, जिसमें देश दुनिया से साधक लोग आकर के यज्ञ में बैठ करके पुण्य अर्जित करेंगे। साथ ही साथ में भगवान शिव की जो कथा होगा, क्योंकि यहाँ शिव मंदिर स्थित है, द्वादश ज्योतिर्लिंग एक जगह में स्थित हैं, उसी शिवालय में 1008 भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के लिए भी यज्ञ होगा और शिवपुराण की कथा होगा। शिवपुराण के वक्ता आचार्य हमारे चिदम्बरानंद पुरी जी महाराज होंगे, महामंडलेश्वर हैं वे और उनके मुखारविंद से राजस्थान के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के श्रोताओं को जो है सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ में यहाँ भव्य टेंट का भी जो है निर्माण किया है, जिसमें हजारों की संख्या में साधक आकर के रात्रि का विश्राम करेंगे और उस जो है कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही साथ में स्विच कॉटेज भी लगाए हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 1500-1600 विदेशी भक्तों का भी आगमन हो रहा है, वे भी यहाँ जो है इस पुण्य अवसर पर जो है भाग लेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और स्वामी जी महाराज ने संपूर्ण विश्व के अंदर में रहने वाले संतों को, भक्तों को और समाज सेवियों को और राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी धर्मानुरागियों को भी आमंत्रित किए हैं, वे इसमें आकर के हम सभी को लाभान्वित करेंगे। इस मंदिर की महेश्वरानंद जी ने कब परिकल्पना की थी और इसको बनने में कितना समय लगा और किस तरीके का इसका निर्माण करने में कठिनाइयां सामने आई? देखिए कि स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज लगभग 1975 में गुरु जी विदेश में थे। 75 में गुरु महाराज के पास एक विदेशी पर्यटक जो है मिला था आकर के, उसने कहा कि गुरु जी मैं भारत में गया था लेकिन मेरी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। गुरु जी ने कहा कि क्यों नहीं हुई, बोले कि एक जो पर्यटक स्थल है वहाँ मैं गया नहीं।
तो उसने कहा कौन सा ऐसा स्थान है? उन्होंने कहा ताजमहल है, वानी गया हूँ मैं। तो गुरु जी ने कहा कि भाई दुनिया में सारे मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर में भी ऐसा बनाऊँ कि उसकी यात्रा करें तो उसको जो है भारत में जाने के बाद उसकी यात्रा ना करें तो उसकी यात्रा अपूर्ण रहे। तो ऐसी कल्पना गुरु जी की थी, वो कल्पना जो है साकार रूप ले चुकी है। और स्वामी जी महाराज ने पिछले 28 वर्षों से या 29 वर्ष हो गए अभी, तो 29 वर्षों निरंतर इस कार्यक्रम को जो चलाते चलाते अब तक जा करके उसका साकार रूप प्राप्त हुआ है। स्वामी जी महाराज ने अपने तपस्या से, अपनी साधना से और अपने जो हैं भगवान के आशीर्वाद से जो उनको जो हैं जो भी दान में जो उनको जो मिला उसका ही जो है स्वयं महाईश्वरानंद गुरु जी महाराज ने इसका जो है ओम आश्रम के अंदर में जो है वो कोष लगा करके इसका निर्माण किया गया है। और हजारों की संख्या में मजदूर लोग लगे रहे, इसके निर्माता इसके अभियंता स्वामी योगेश पुरी जी महाराज हैं जो स्लोवेनिया के रहने वाले हैं। पिछले 30 वर्ष से वो निरंतर रूप से यहीं रह रहे हैं और उन्होंने पूरा का पूरा इस ओम आश्रम को जैसे स्वामी जी ने कहा था वैसा ही उन्होंने साकार रूप दिया है। भूकंप प्रूफ हैं, वाटर प्रूफ हैं और हर प्रकार से जो है प्राकृतिक किसी प्रकार की आपदा आए उसे सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो पूरा अपना जो इंजीनियरिंग का पूरा जो है योगदान दिया है। और अभी ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है, इसका नाम स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने दिया है परमहंस स्वामी माधवानंद योग यूनिवर्सिटी। तो ये थे माँ मंडलेश्वर फूलपुरी, जिन्होंने बताया कि 19 फरवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में देश विदेश के राष्ट्र नेता सहित संत महापुरुष यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। ये पहला विश्व का ओम आकार का मंदिर होगा जिसको लेकर देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ आएंगे। श्याम चौधरी, न्यूज 18, पाली।